टोकरी छे। खटारे के पास ये झयम पटाखा कहाँ से आ गई? इसको तो पटाना है भाई। तुम्हारी बहने देखिया। चलो एपी भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? जो भाई आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे हो। चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो। इन्हें भी ले लो, कौन है ये? मेरी बहन है मधु। मधु, अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते हैं, प्लीज प्लीज। देख इधर, अरे नहीं बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है। आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हाय एपी, अरे ये कौन है? ये मधु है। अरे वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों भाई तू वहाँ पे जाता नहीं क्या? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी करके चले जाना, और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना पहनूंगा। तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो तू लोडर को झाड़ू लगाएगी। अच्छी जोड़ी है ना भैया, अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाह तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। जी भैया आदेश करें। ये लीजिए माँ। पहचाना इसे? अरे मधु, अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई, इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है, आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है बाबूजी। माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था, अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा। तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तब भी परेशान हो। ये देखो छिछोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिछोरा लोग पैदा करते क्यों? भाई मैंने तो इसे इंसान ही पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूँ? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल्ब बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं खंबा नापने आया। तो फिर? अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस। प्लीज खाओ ना सिम्बा, मैं तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लाई हूँ। हे मालिक, काश तू मुझे कुत्ता बना देता। सेकंड हीरो की एंट्री। वाह, 15 मिनट पहले ही आ गया। बाबा, आ जा, आ जा। क्या हुआ? नहाए नहीं क्या बाबा? नहाया था, याद नहीं कब नहाया था। अरे तेरे ये भी झेलना पड़ेगा। क्या क्या हो ना बाबा? कल वो मुझसे नाराज हो गई, तू उसे पटाने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, वो जब आएगी ना तो एक गाना गाना रोमांटिक। हाँ गा दूंगा। ये ले पैसे। गाऊंगा गाऊंगा, मगर बताना कौन सा गाना। कब तक जवानी छुपाओगी रानी वो। हाँ ठीक है गाऊंगा, मगर मुझे याद नहीं आ रहा, गा के सुना दे। अरे सुना दे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। शादी करो। वाह 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 वाह। नदीश राव और साजिद वाजिद की जोड़ी पिक्चरों में और तुम दोनों की जोड़ी फुटपाथ। आदमी को इतना जलील होने के बाद यही काम करना चाहिए, और ये क्या लाइफ पार्टनर चुना चुने। लेकिन ये मेरा पार्टनर ये नहीं, मेरा पार्टनर वो है आलिया, माय लाइफ पार्टनर। यू नो तू बड़ा ही बेशरम है, जो तेरे साथ उसने कल शाम को किया, अगर तेरी जगह कोई और होता, और होता तो काम छोड़ देता, राइट फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाता, मुंह छुपा लेता। करेक्ट करेक्ट। एपी भाई साहब, मैं बहुत ही कमीना, डीट, सैडिस्ट, पर्वर्ट किस्म का आशिक हूँ। तो ऐसे ही रहना और वो मेरी हो जाएगी। अगर वो आपकी होती ना तो आप या उनके घर के नीचे नहीं तो आप घर के अंदर होते। ऊपर वाले ने मेरे को लंदन से भेजा है फॉर आशिकी, राइट? अब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा ना। तो हंस क्यों रहा है?
ऊपर वाले डिसाइड कर लिया। आ भैया चलो भाई, तुम्हारे इंतजार में मेरा नाक चढ़ गया। तू क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू एवरीथिंग ऑन द वे। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, लेट्स गो। चलो ना यार। स्टेपनी, मेरे पास स्टेपनी है, एक मिनट में चेंज करता हूँ। देखिए चंदानी जी, जी सर, वैसे तो हम किसी प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस लिए आए पता है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पे बैठने की हिम्मत सिर्फ भोला राम सच्चा ने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारत वर्ष में हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए। जी सर, मैंने रॉकी को आपके सारे सवाल याद करा दिए। Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of Jhoot Bole Kauwa Kaate. Aapka dost, aapka host, Rocky. Aur ye rahi lie detecting chair. Yani, jhoot pakadne wali machine. Aur aaj isme baithne ka saahas karenge, hamare pradesh ki mukhya mantri, Shri Bola Ram Sachcha. Manto Bola Ram. Namaskar. 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 Dhanyavaad. जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ। भोला राम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। लाइट जल गई। अरे ये नेता तो झूठ बोल रहा है। देखो, हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। क्या कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? मोटे गेंडे हिप्पोपोटामस नाम है बोला, लेकिन है अफत का गोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया चलो, उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? हो गया क्या सर? What are you doing? पता नहीं, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्लीज माफी मांग। अरे शट अप छिपकली, याद है वो बिकनी? सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? रॉकी तुम पागल हो गए। प्लीज चंदानी, इस लड़के ने मेरी बेइज्जती की, मेरे बर्दाश्त